लंबी फ्लाइट्स के बाद मैं अपना ज़्यादातर टाइम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना पसंद करती हूँ, और आज मौका ही कुछ ऐसा था जहाँ हम सारे फ्रेंड्स एक साथ मिलने वाले थे, वो भी बहुत टाइम बाद, क्योंकि आज हम अपनी दोस्त सेजल का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, जिसके लिए हमने दो चीज़ें प्लान कर रखी थी। एक तो था कि हम आमा कैफ़े जाएंगे जो मजनूटीला में है, और दूसरा था कि हम गेमिंग जोन जाएंगे। मजनूटीला एंटर करते ही हमने सबसे पहले इन फेमस आंटी के हाथ का लाफिंग टेस्ट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और उसके बाद हम निकले आमा कैफ़े की ओर। एक चीज़ माननी पड़ेगी कि आमा कैफ़े का चीज़ केक जितना टेस्टी है, उतना ही इसका इंटीरियर भी सुंदर है। और शुक्र है कि आज हमें सीट्स तो मिली, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम रिजर्वेशंस रहती हैं। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमने फूड और बेवरेज का ऑर्डर दिया, और हम सब ने हंसी मजाक और बातों के साथ इस खाने को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। अब बारी थी सेजल का बर्थडे केक कट करवाने की, और हमने यहाँ का फेमस ब्लूबेरी चीज़ केक ही ऑर्डर किया था। और ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि सेजल का बर्थडे हम सब के मिलने का एक बहाना बना। आमा कैफे में अपनी लास्ट मील एंजॉय करने के बाद हम सब लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम सब लोग बोलिंग के लिए कहाँ जाएं। और हाँ, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि आमा कैफे की फूड क्वालिटी और अमेजिंग सर्विस के बाद हम सात लोगों का बिल 3700 आया था, एंड आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट डील। इस जगह को अलविदा कहें, हम सब निकले पैसिफिक मॉल की तरफ, क्योंकि हम वहाँ जा रहे थे बोलिंग के लिए, और गाड़ी में बैठ हम सब निकले अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में हम सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और ये दिन कैसे बीत रहा था हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं था। गेमिंग जोन ढूंढने के चक्कर में हम पैसिफिक मॉल में ही 4 से 5 बार लिफ्ट में ऊपर से नीचे कर चुके थे, और फिर हम में से किसी महापुरुष ने दिमाग लगाया कि हम किसी से पूछ लेते हैं कि गेमिंग जोन है कहाँ, और फाइनली हमें पता चला कि वो ग्राउंड फ्लोर पर ही है। वहाँ एंटर करते इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी सारी गेम्स को देख के, और ऐसा लग रहा था कि हम सब फिर से बच्चे बन गए हैं। पर हम अपना मेन टारगेट भूले नहीं थे, जो था बोलिंग। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने शूज चेंज किए, और हमने गेम स्टार्ट तो करी, बट हम सबको क्लियर पिक्चर मिल गई कि हम सबका डब्बा गुल है इस गेम में। पर ग्रुप के साथ जाने का यही तो फ़ायदा होता है, चाहे आप किसी चीज़ में अच्छे हो या नहीं, आपको मज़ा फिर भी आता है सभी के साथ। इसके बाद हमने 2-3 गेम्स और खेली जिसमें VR भी शामिल है, एंड आई मस्ट से दैट वी ऑल एंजॉयड अ लॉट। गेमिंग जोन एंटर करते ही मैं शुरू से एक टेडी के लिए क्रिप कर रही थी, और एट द एंड एक गेम में हमने ये जीत भी लिया। इसी के साथ हमारा ये दिन भी ख़त्म होने की कगार पे था, जहाँ एक तरफ हमने सेजल को अलविदा कहा, वहीं दूसरी तरफ इन मुस्कुराते चेहरों को भी बाय बोला, एंड एट द एंड वी ऑल एंजॉयड, वी ऑल हैड अमेजिंग डे टुगेदर, एंड अगेन हैप्पी बर्थडे सेजल।